नमस्कार दोस्तों, फ्रीलांसिंग शब्द आपके लिए हो सकता है नया हो, या आपको लगे कि ये फ्रीलांसिंग किस प्रकार से की जाती है या इसके टैक्सेशन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम फ्रीलांसिंग विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सा यूथ आज की डेट में फ्रीलांसिंग पर काम कर रहा है। तो फ्रीलांसिंग क्या है, उसके टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है, जानने के लिए आपको आगे लिए चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करता हूं, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग यूजुअली मींस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप मुझसे इनकम टैक्स के परिदृश्य में पूछेंगे कि क्या इनकम टैक्स एक्ट में फ्रीलांसिंग टर्म को परिभाषित किया गया है क्या, सर कोई परिभाषा फ्रीलांसिंग की इनकम टैक्स लॉ में नहीं थी, और पूरे इनकम टैक्स लॉ में अगर मैं करेक्ट हूं कहीं पर भी फ्रीलांसिंग शब्द आया ही नहीं। तो फ्रीलांसिंग क्या है सर, फ्रीलांसिंग एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी जब आप नौकरी नहीं कर रहे, अपना काम स्वयं कर रहे हैं। मैं व्यापार तक को फ्रीलांसिंग मान सकता हूं, या बहुत सी बार फ्रीलांसिंग शब्द को लोग प्रोफेशन से कनेक्ट करते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैं और फ्रीलांसिंग किया करते हैं। सो व्हाइल कंटिन्यूइंग योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट और विदाउट दैट। और फ्रीलांसिंग में एक फीचर क्या है सर, कि मान लीजिए मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, किसी कंपनी में काम करता हूं, साथ साथ मैं कुछ कोडिंग का काम भी अलग से करने लगा, या मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं एज एन एम्प्लॉय, लेकिन मेरा शौक है गिटार बजाना, तो मैं कभी कभी किसी शो में जाके गिटार भी बजाता हूं, उसके भी मुझे अमाउंट मिल जाते हैं, ये भी फ्रीलांसिंग है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं हिंदी का एक अच्छा नॉलेज रखता हूं, और किसी नौकरी के साथ साथ मुझे कभी कभी हिंदी में कुछ उपन्यास लिखना या कुछ ट्रांसलेशन करने का ऑप्शन मिलता है, मैं वहां से भी आय कमा लेता हूं, ये भी एक प्रकार की फ्रीलांसिंग है। तो फ्रीलांसिंग इन माय ओपिनियन इंक्लूड्स बिजनेस एज वेल एज प्रोफेशन। एक बिजनेसमैन भी फ्रीलांसिंग कर रहा हो सकता है और एक प्रोफेशनल भी फ्रीलांसिंग कर रहा हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये केवल कुछ एग्जाम्पल है, फाइनल लिस्ट नहीं है दोस्तों। जैसे कोई म्यूजिक के क्षेत्र में काम करे, कोई लिखने में काम करे, कोई एक्टिंग में काम करे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रांसलेटिंग, इलस्ट्रेटिंग, पेंटिंग्स, फिल्म प्रोडक्शन, कोचिंग, ये सब दोस्तों फ्रीलांसिंग के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग अपने आप में एक व्यापक शब्द है, और इस व्यापक शब्दावली को अगर मैं सीमित करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज द फीचर ऑफ फ्रीलांसिंग इन इट। अब दोस्तों यदि हम मान लें कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड नहीं है, और साथ साथ कुछ आप जिसे कई लोग बोलते हैं ना हॉबी, कि मैं अपनी हॉबी को परस्यू करता हूं और उस हॉबी को परस्यू करने से मुझे कुछ इनकम आती है, तो मैं कह सकता हूं हॉबी परस्यू करने से आने वाली इनकम भी फ्रीलांसिंग कहलाई जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन यह है कि उसका सही हेड क्या हो। कुछ लोगों ने मुझे कहा अनूप जी फ्रीलांसिंग की इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएं, तो कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं अनूप जी फ्रीलांसिंग की इनकम तो प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मानी जानी चाहिए। तो इसका कोई 100% क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं होगा कि फ्रीलांसिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होती है या दोस्तों फ्रीलांसिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होती है। इट वुड डिपेंड, यानी मेरे जैसे सीए की राय में अगर आपका मेन एक्टिविटी सैलरीड पेड होना है या कोई और बिजनेस है और साथ साथ छोटा मोटा आप इनकम जनरेट करते हैं फ्रीलांसिंग स्टाइल में, तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी माना जा सकता है। लेकिन आपने धीरे धीरे फ्रीलांसिंग को ही अपना मेन एक्टिविटी बना लिया है, या आपका वॉल्यूम्स में अब काम होने लगा है फ्रीलांसिंग से, तो सर उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी माना जा सकता है। तो इन दो में से किसी एक हेड में आप अपनी फ्रीलांसिंग की इनकम को ऑफर कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं सर, कैन डिडक्शंस बी क्लेम अगेंस्ट सच इनकम। तो इससे भी पहले आपसे ये बात करूंगा दोस्तों कि अगर आप फ्रीलांसिंग की इनकम को प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जिसे मैं स्मॉल में पीजीबीपी लिख रहा हूं, मानते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग की इनकम से सेक्शन 44AD का ऑप्शन भी ले सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आप 44AD में भी, ADA में भी अपनी प्रोफेशनल इनकम के रूप में फ्रीलांसिंग की इनकम को ऑफर कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन की बात करें। मान लीजिए आप एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के अपनी ITR में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करें। जैसे मान लीजिए मुझे फ्रीलांसिंग से 10 लाख रुपए की रिसीट हुई और मैंने एक बैंड बनाया जिसको मैं फ्रीलांसिंग के रूप में चलाता हूं, उस बैंड में कुछ और प्रोफेशनल मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने उनको 4 लाख का पेमेंट कर दिया और 6 लाख रुपए मेरे को नेट बच गए,
तो मैं दिखाना चाहता हूं अपनी आईटीआर में कि मुझे फ्रीलांसिंग से 6 लाख की नेट इनकम हुई, तो आप डिडक्शन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप फ्रीलांसिंग की एक्टिविटी में पहले तो ये चूज करिए कि आपको एक्चुअल इनकम ऑफर करनी है या प्रिजम्पटिव इनकम, उस विषय में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवोकेट आपको राय देंगे। और एक्चुअल इनकम अगर आप दिखा रहे हैं और उस इनकम को कमाने में आपके कोई खर्चे हुए हैं, तो चाहे आप बिजनेस इनकम के रूप में इस इनकम को बताएं, चाहे आप अदर सोर्स इनकम के रूप में इस इनकम को बताएं, खर्चों का डिडक्शन निश्चित रूप से क्लेम किया जा सकता है। नाउ नेचुरली माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो आपका मुझसे होगा वो होगा, अनूप जी जरा टैक्स रेट भी तो बताइए कि फ्रीलांसिंग की इनकम पर टैक्स रेट क्या चलती है, क्या कोई स्पेशल टैक्स रेट है या कोई नॉर्मल टैक्स रेट होगी। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि स्पेशल रेट या स्लैब रेट में से, क्योंकि एक इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो स्पेशल रेट नाम की तो कोई एक्टिविटी फ्रीलांसिंग पर एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट नहीं है इफ यू आर अ रेजिडेंट, और आपको बाय डिफॉल्ट स्लैब रेट में जाना पड़ेगा टैक्स होने अगर आपके पास फ्रीलांसिंग से इनकम है। पहली बात तो यह कि फ्रीलांसिंग की इनकम आपकी बाकी अदर इनकम के साथ जुड़ेगी, फिर जो आपकी टोटल इनकम होगी उस टोटल इनकम पर अगर आपने न्यू स्लैब रेट लिया है तो आपको न्यू स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, ओल्ड स्लैब रेट लिया है तो आपको ओल्ड स्लैब रेट से टैक्सेशन लगेगा। दोस्तों हालांकि मैं इनकम टैक्स पर ज्यादा चर्चा करता हूं, पर फ्रीलांसर्स को एक एडवाइस जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी पर भी देना चाहता हूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग एक्टिविटी करते हैं, जनरली फ्रीलांसिंग इज अ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी, पर कोई फ्रीलांसिंग में साथ साथ सेल का भी काम कर सकता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप फ्रीलांसिंग में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन सेल्स शुरू कर दिया पेंटिंग्स का, तो जब आपका टोटल सेल ऑफ गुड्स का वैल्यू 40 लाख रुपीस एक्सीड करेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा सर। और अगर आप फ्रीलांसिंग में कोई सर्विसेज देते हैं और एक साल में आपकी सर्विसेज की वैल्यू जो आपने दी है 20 लाख से ऊपर है, तो भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो आपको यह देखना है एज अ फ्रीलांसर, क्या मुझ पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्या, और यदि हाँ तो फिर आपको जीएसटी का कंप्लायंस भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। At the end, my dear friends, I hope that if you are a freelancer or going to be a freelancer planning for that, then this video is going to be really useful to you for having your tax planning, for ensuring your GST compliance and answering to your other queries pertaining to this freelancing activity in the perspective of income tax law. So thank you very much for listening to me. Wishing you all the best. Jai Hind.